राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल सीजन 2023 का चौथा मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है आज 2 तारीख को शाम के सॉरी दोपहर के 3:30 PM से। और ये जो मैच होने वाला है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। आईपीएल 2023 सीजन 16 के 3 मैचेस खेले जा चुके, जिसमें हमारा पहला मैच का वीडियो आया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 2 मैचेस का वीडियो नहीं आया, क्योंकि थोड़ी सी ट्रबल्स चल रही है हमारे क्षेत्र में, बिजली की बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई, जिसकी वजह से चाह के भी हम आपके लिए 2 वीडियो लेके नहीं आ पाए। इसके लिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकल इशूज़ की वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब से नहीं आएगा, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है और हम भी सोल्यूशन देख रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी जो हमारा वीडियो है कंटिन्यू आते रहेगा। और आज से जो बात करने वाले हैं हम, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले मैच में, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि भाई इस पिच पे इस पिछले वाले मैच की ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात के खिलाफ 2 मैच में अच्छा खासा स्कोर किया था, और तीसरे मैच में भी भाई 92 रन की पारी खेल के चले गए। जिन प्लेयर्स के बारे में भी मैंने बताया, लगभग उन प्लेयर्स ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा विन किया होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी चैनल छोटी है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है। आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा नॉलेज बटोर कर काफ़ी अच्छा टीम क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा विन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, आपका लाइक भाई को मोटिवेट करता है। और साथ ही साथ भाई आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी बात करते हैं कि भाई आज जो मैच होने वाला है, इस मैच में क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेन्यू पे ये मैच कौन से स्टेडियम पे खेला जाने वाला है, और इस पिच पे क्या कुछ होता है, कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, बैटिंग से कौन कौन से बैट्समैन को लेना चाहिए, किस बैट्समैन को ड्रॉप करना चाहिए, बॉलिंग में कौन कौन से बॉलर को लेना चाहिए, और कौन बॉलर पूरा 4 के 4 ओवर करेंगे, साथ में ऑलराउंडर फॉर्मेट में किसको रखना चाहिए जो अपना परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़िया कर सके। तो चलिए देर ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू की। तो वेन्यू का अगर देखा जाए ना, तो ये वाला जो वेन्यू है ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाने वाला है। और इस वाले वेन्यू की ना काफी इंपॉर्टेंट खासियत होती है, हालांकि इस वाले वेन्यू पे रिसेंट में ज्यादा आईपीएल मैचेस नहीं खेले गए, काफी पीछे 2-3 साल पीछे खेले गए थे, लेकिन रिसेंट में 2-3 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसके बारे में भी बताएंगे। और इस वेन्यू की अगर बात करें ना, तो इसका जो पिच बिहेवियर है ना भाई, ये पूरी तरह से बैटिंग पिच है। यहाँ पे स्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, चाहे वो कोई भी पारी हो, फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो, तो भाई दोनों ही टीमें स्कोर ज़्यादा करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई ये वाला ग्राउंड ना हैदराबाद का होम ग्राउंड है। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम सनराइजर्स हैदराबाद का होम ग्राउंड है, और जब भी हैदराबाद इस वाले ग्राउंड पे स्कोर करने उतरती है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि हैदराबाद इस वाले ग्राउंड पे जीत ही लेगी, क्योंकि कुछ डेटा ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो भाई स्कोर होने वाला है, ऐसा नहीं है कि हर आईपीएल की तरह इस बार भी आप सोच लें कि हैदराबाद स्कोर नहीं करेगी, हैदराबाद मैच हार जाएगी, ऐसा नहीं है। काफ़ी अच्छा स्कोर करते दिखेगी हैदराबाद भी। बाकी बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ का पिच बिहेवियर, तो बैटिंग है ही है। एवरेज स्कोर की अगर बात कर ली जाए ना, तो 180 के आसपास एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर होते दिख जाता है। वहीं अगर फर्स्ट इनिंग के स्कोर की अगर बात करी जाए ना, तो 183 के आसपास स्कोर दिख जाता है। अब बात कर लेते हैं वेदर की, तो थोड़ा सा हल्का फल्का क्लाउड हो सकता है, थोड़ा सा फॉग हो सकता है। बाकी टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने वाला है, मतलब 24 डिग्री सेल्सियस खेलने के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी ना ही ठंड होगी, तो प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस पे खेलने में। उसके बाद बात कर लेते हैं ना कि भाई ये पिच पे कौन से बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट ना यहाँ पे पेसर्स को मिलते हैं। पेसर्स अपने बॉलिंग से काफ़ी अच्छा विकेट करते नज़र आते हैं। वहीं पे अगर टॉस की अगर बात कर ली जाए, तो टॉस जीतने वाली टीम पहले टॉस जीत करके बॉलिंग करना पसंद करती है, क्योंकि इस वाले ग्राउंड में ना चेस करते हुए मैच को जितना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो भाई जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी निगाहें होंगी कि मैं पहले बॉलिंग करूं और साथ ही साथ चेस करके मैच को जीत लूं, क्योंकि दोनों के चांसेस जीतने के 60-60% होते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारी नॉलेज आती है, वीडियो आए या ना आए हमारा चैनल पर, लेकिन हर मैच के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है हमारे टेलीग्राम पर देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक प्लेयर्स का विश्लेषण मिलता है, कौन क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, एक बेस्ट टीम कैसे बना सकते हैं, और हमारे दिए गए एक्सपर्ट्स के टीम के द्वारा आप कैसे टीम लगा के अच्छा खासा विन कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम का नाम प्रेडिक्शन गुरु जी है, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि भाई इस बार का जो मैच है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। ड्रीम इलेवन पे नए नए नियम आ गए हैं,
सिर्फ ड्रीम इलेवन पे ही नहीं, आईपीएल सीजन 2023 में बहुत सारे बदलाव किए गए, तो उन बदलाव के बारे में भी हमारा वीडियो आ जाएगा। बाकी इस बार जो हम खेल रहे हैं ना भाई, ग्रैंड लीग तो ड्रीम इलेवन पे बहुत कम ही लगा रहे हैं, लेकिन जो भी लीग खेलते हैं हम विजन इलेवन पे खेलते हैं भाई, वहाँ पे अच्छा खासा विनिंग हो जाती है। तो आप भी अगर विजन इलेवन पे खेलना चाहते हो ना, तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको क्लिक करके आप डायरेक्ट विजन इलेवन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद साइनअप करते ही 500 रुपये मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप उसको लगा के खेल सकते हैं, जहाँ पे एंट्री अमाउंट, कॉन्टेस्ट का एंट्री अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है, विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है और क्राउड बहुत कम है। और प्राइजेस की बात करें ना, तो विजन इलेवन भी भाई एक एक प्राइज, फर्स्ट प्राइज 20 लाख 30 लाख तक का दे रही है, तो पैसे कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा 20 लाख रुपये होते हैं। जल्दी से यहाँ से जुड़ के खेलना स्टार्ट कीजिए। बाकी बात कर लेते हैं कि भाई ये तो वेन्यू की सारी बात हो गई, ये वेन्यू रिपोर्ट हो गया। बाकी बात कर लेते हैं कि इस वाले वेन्यू पे लास्ट के जो मैचेस खेले गए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। बाकी वेन्यू की अगर रिकॉर्ड को देखें ना, तो वेन्यू पे जो लास्ट के मैचेस खेले गए हैं वो दो मैचेस जो है ना इंटरनेशनल खेले गए रिसेंट 2022 में, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ने एक मैचेस खेला, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने उतरी थी, 186 का स्कोर कर पाई थी 7 विकेट के नुकसान पे, इंडिया ने चेस करते हुए 187 4 विकेट पे बना दिया और मैच को जीत गई। तो चेस करते हुए इंडिया ने इस मैच को जीत लिया। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग किया, 207 का स्कोर किया 5 विकेट पर, तो इंडिया चेस करते 209 का स्कोर कर पाई 4 विकेट पर और जीत गई। तो दो मैचेस जो 2022 में खेले गए, दोनों ही मैच चेस करते हुए स्टेडियम पे जीता गया, लेकिन 2019 में इस्माइल स्टेडियम पे आईपीएल के मैचेस खेले गए थे, जिसपे सीएसके वर्सेस मुंबई का मैच खेला गया था, जिसमें मुंबई पहले बैटिंग करने उतरी थी और इस वाले मैच में 149 का स्कोर कर पाई थी मुंबई 8 विकेट के नुकसान पर, जवाब देते हुए सीएसके 148 ही कर पाई और मैच को हार गई। तो ये एक मैच था जिसमें बैटिंग फर्स्ट करते हुए मुंबई ने मैच को जीत लिया। बाकी जो SRH अपने होम ग्राउंड पे खेलते हुए 212 का स्कोर 6 विकेट पे किया था पहले बैटिंग करते हुए, जवाब देते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 167 8 विकेट पे बनाया और बाकी इस मैच को भी SRH ने जीत लिया पहले बैटिंग करते हुए। उसके बाद KKR ने पहले बैटिंग करके 169 का स्कोर किया इस वाले स्टेडियम पे, तो जवाब देते हुए SRH ने 161 का स्कोर कर दिया और मैच को जीत गई। बाकी 2019 में जो मैचेस खेले गए थे IPL के, इस पे 3 मैचेस में 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीती और 1 मैचेस चेस करने वाली टीम ने जीती। और एक इम्पोर्टेंट क्या कुछ है कि SRH जब भी अपने होम ग्राउंड पे खेलती है ना, तब अच्छा स्कोर करती है और जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो या फिर बॉलिंग फर्स्ट हो, ये SRH के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है कि SRH इस वाले टीम पे अच्छा खासा स्कोर करते दिख जाती है, 212-200+ के आसपास भी स्कोर कर सकती है। बाकी दोनों टीम की लास्ट 5 मैच की अगर बात की जाए ना, दोनों टीमों ने लास्ट 5 मैचेस खेले हैं। राजस्थान ने अपने 5 मैचेस खेले हैं जिसमें कि 3 जीता है और 2 हारा है IPL सीजन 2022 या फिर पीछे की जो भी मैचेस को देखा जाए। तो SRH ने अपने लास्ट जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें 1 जीता है और बाकी 4 हारा है। तो भाई SRH थोड़ी सी कमजोर टीम दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कमजोर ही रहेगी। इस बार एक सोच है कि नए सीजन का शुरुआत नए दमखम के साथ किया जाए और जीत के साथ आगाज की जाए। तो SRH अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, ज़्यादातर चांसेस है कि SRH इस वाले ग्राउंड पे जीतने की चांसेस है कि जीत ही लेगी। बाकी बात कर लेते हैं कि ये जो ग्राउंड है इस पे लास्ट के जो 3 मैचेस खेले गए, जिसमें 2 इंटरनेशनल और 1 IPL का मैच था, टोटल विकेट इसमें गिरे 31 विकेट में अगर देखा जाए तो पेसर्स को 19 विकेट मिले और स्पिनर्स को 12 विकेट मिले। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन स्पेसर्स के से कम, क्योंकि है क्या कि 20 और 12 का अंतर अगर देखा जाए ना, तो टोटल 70 और 30 का दिखता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 70% जो विकेट गिरने वाले हैं वो पेसर्स के हाथ में जाने वाले हैं, बाकी 30% स्पिनर्स के हाथ में जाने वाले हैं। तो आप पेसर्स की तरफ ज़्यादा टर्न करें, स्पेशली ऐसे पेसर्स की तरफ जो डेट ओवर में बॉलिंग कराते हो। तो डेट ओवर में बॉलिंग कौन कौन कराते हो, लाइनअप आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कौन से बॉलर्स को मौका दिया जा रहा है खेलने का, ठीक है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा वेन्यू रिकॉर्ड था। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि हेड टू हेड के अगर दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के देखे जाए ना, तो दोनों टीमों ने आमने सामने टोटल 16 मैचेस खेले हैं, जिसमें 8 राजस्थान ने जीते हैं तो 8 SRH ने जीते हैं। वहीं अगर देखी जाए तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए राजस्थान ने 2 बार ही मैच जीता है, लेकिन चेस करते हुए 6 बार मैचेस जीते हैं। तो SRH ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी 4 बार जीते हैं और बैटिंग सेकेंड करते हुए राजस्थान के सामने 4 बार जीते हैं। अगर एवरेज स्कोर देखा जाए तो राजस्थान जब बैटिंग फर्स्ट करने उतरती है तो दोनों टीमों के मिला के एवरेज स्कोर 152 के आसपास होता है। वहीं अगर SRH बैटिंग फर्स्ट करने उतरते हैं तो
दोनों टीमों के मिलाकर के 155 के आसपास एवरेज स्कोर हो जाता है। तो ये हेड टू हेड एनालिसिस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी टीम एक दूसरे के लिए के खिलाफ कमजोर पड़ती, दोनों टीमों का आकलन देखा जाए तो बराबर में ही चल रही है। तो आज का मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि दोनों टीमों के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जो एक दूसरे के सामने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, उन चीजों को भी बताएंगे। लेकिन एक बार प्रोबेबल 11 को सबसे पहले देख लेते हैं और जो प्लेयर्स है उनका रिसेंट फॉर्म क्या है उसको देख लेते हैं, ताकि हमें ये आसानी हो सके कि भाई जो आज का मैच होने वाला है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स को पिक किया जाए जिससे कि एक अच्छा खासा टीम बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज का टीम 11 क्या होने वाला है और साथ ही साथ उनके जो रिसेंट फॉर्म है वो क्या हो सकता है। बाकी दोनों टीमों के प्रोबेबल 11 को देखा जाए और साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म को, जो लगभग मुझे लग रहा है कि खेलने वाले हैं, मैं वैसे प्लेयर्स को नॉमिनेट कर रहा हूँ, वैसे प्लेयर्स को बता रहा हूँ। बाकी अगर रिक्वायर्ड में कोई नए प्लेयर्स आते हैं उनके बारे में भी आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहेंगे, कल लॉस नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं एसआरएस के प्रोबेबल 11 की। तो एसआरएस के हरीश कैलाशन है जो कि इनके विकेट कीपर, उनका अगर देखा जाए तो जो रिसेंट के 5 मैचेस किसी भी T20 फॉर्मेट में खेले गए हैं उसमें पिछले मैच में 104 रन किया है, उससे पहले 0, उससे पहले 65, 1 और 31। तो टोटल 5 में 3 ऐसे फॉर्म है 1, 2, 3 और काफ़ी अच्छा रोल करते हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करते नजर आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि जब आप इस रेशियो को देखेंगे ना, अगर वो ग्राफ में देखा जाए तो हर एक मैच के बाद अच्छा खासा करते नजर आते हैं। चूंकि आप यहाँ पे देखिए कि 31 रन किया है, उसके बाद दूसरे वाले मैच में 1 किया है, उससे पहले उसके बाद 65 किया, उसके बाद 0, 104। तो आज का जो मैच होने वाला है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो ग्राफ बता रहा है उसके अनुसार से कह रहा हूं कि आज के मैच में हेनरिक क्लासन का कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा नहीं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर 5 में से 3 फॉर्म अच्छा खासा रहता है, आप देख लें कि किस हिसाब से किया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं गैलन फिलिप की। तो गैलन फिलिप को अगर देखा जाए ना तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनका जो लास्ट के 5 मैचेस है उसमें 2, 5, 17, 52 और 12 करते नजर आए, एवरेज स्कोर ठीक ठाक है, 2 मैच में एवरेज स्कोर किया। बाकी मयंक अग्रवाल है जो इससे पहले किंग्स इलेवन का हिस्सा रहे हैं लिया है, तो टोटल 5 मैचेस में इनका अगर देखा जाए पीछे का जो रिसेंट फॉर्म है, ऐसा नहीं कि मैं आईपीएल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 8, 14, 16, 47 और 5 रन है। उसके बाद राहुल त्रिपाठी है जो पहले कलकत्ता का हिस्सा रह चुके हैं लेकिन पिछले सीजन से ये हैदराबाद का हिस्सा है, अगर इनका रिसेंट फॉर्म देखा है तो 44, 13, 0, 35 और 5 करते नजर आए। उसके बाद हैरी ब्रूक है, हैरी ब्रूक एसआरएच में है, इनका रिसेंट का देखा जाए तो 20, 4, 7, 18 और 7 रन है। उसके बाद है एडन मार्कम है, इनका अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा फॉर्म है, 35 के साथ 1 विकेट किया है पिछले वाले मैच में, उससे पहले 38 के साथ 0 विकेट किया, उससे पहले 14 के साथ 0 किया, उससे पहले 26 के साथ 1 किया, तो एवरेज स्कोर करते नजर आते हैं। उसके बाद बासिंगटन सुंदर है, इनका लास्ट का 5 मैचेस देखा जाए तो पिछले वाले में 10 के साथ 1 विकेट करते नजर आए हैं, उससे पहले 50 रन किया है, 2 विकेट मिली है, उससे पहले 0 किया है लेकिन 1 विकेट हाथ लगे, उससे पहले 27 रन किया है, 1 विकेट हाथ लगी, और उससे पहले 22 किया है, 1 विकेट हाथ लगी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार की। तो रिसेंट के जो 5 मैचेस खेले हैं ना उनमें से 2 मैचेस में 1-1 विकेट मिले हैं, बाकी 3 मैच में विकेट हाथ नहीं लगी। उसके बाद उमरान मलिक का लास्ट 5 मैचेस देखा जाए तो लास्ट 5 मैचेस में 2, 0, 2, 3 और 2 करते नजर आए, तो काफ़ी अच्छा इनका रिसेंट फॉर्म है। उसके बाद टी नटराजन है, इनका अगर देखा जाए तो लास्ट के 5 मैच पिछले वाले में 2, 0, 1, 2 और 0 करते नजर आए। आदिल राशिद है, इनका 5 देखा जाए तो 1, 0, 1, 1, 2 रन 2 विकेट करते नजर आए। उसके बाद अकीला होसेन है वेस्ट इंडीज के, इनको अगर देखा जाए तो लास्ट के 5 मैचेस खेले हैं जिसमें 2 मैचेस में 1-1 विकेट मिली है। तो ये सारे की ये प्रोबेबल 11 थी, संभावित 11, बाकी जो चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स के, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जॉस बटलर है, इनका अगर रिसेंट 5 मैच का फॉर्म देखा जाए तो 40, 4, 67, 13 और 70 रन करते नजर आए, काफ़ी अच्छा फॉर्म चल रहा है। उसके बाद संजू सैमसन है, संजू सैमसन का रिसेंट का 5 फॉर्म देखा जाए तो 5, 59, 4, 61 और 3 करते नजर आते हैं। बाकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जब भी ये किसी मैच का आगाज में पहला मैच खेलते हैं ना तो इनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी अच्छा करते नजर आते हैं। क्योंकि पिछले 2-3 बार मैंने एनालाइज किया है कि जब भी किसी फॉर्मेट में पहला मैच खेलने आते हैं, खास करके आईपीएल में, तो पहला मैच इनका काफ़ी अच्छा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा इनका कि आज का मैच भी अच्छा जाने वाला है। बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी अपने हिसाब से आप देख लें। उसके बाद देवदत्त पाडिकल है, इनका रिसेंट 5 मैचेस देखा जाए तो 28, 22, 0, 9 और 124 करते नजर आए हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को अगर देखा जाए ना तो 27, 12, 13, 45 और 7 करते नजर आए हैं। ये ओपनर
बल्लेबाज है जो कि जॉस बटलर के साथ खेलते दिख जाएंगे। उसके बाद जॉसन होल्डर को देखा जाए तो रिसेंट के 5 मैचेस में 13-1, 28-0, 7-0, 10-0, 17-0 करते नजर आए। तो विकेट अच्छा खासा नहीं ले रहे हैं, विकेट नहीं मिल रही है। बाकी रन की भी अगर बात करें तो कुछ अच्छा करते नजर नहीं आते, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 10 से ऊपर ही इनका रन देखने को मिल जाता है हर मैच में। उसके बाद रविचंद्र अश्विन है, इनका रिसेंट 5 मैचेस को देखा जाए तो 0-3, 0-1 और 2 विकेट करते नजर आए हैं। क्योंकि है ऑलराउंडर लेकिन बैटिंग से इनका फॉर्म अच्छा नहीं है 5 मैचेस में, बाकी विकेट में जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, तो बैटिंग फॉर्म अच्छा नहीं है। उसके बाद रियान पराग, इनका देखा जाए तो लास्ट के 5 मैचेस में 75-0 किया है, उससे पहले 2 रन किया है, 2 विकेट लिया, उससे पहले 49-1, उससे पहले 52-1 और 28-1 लेते नजर आया। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट की अगर बात कर ली जाए तो लास्ट के जो 5 मैचेस खेले हैं उसमें 3 लास्ट मैचेस में 1-2-1 करते नजर आया और पीछे वाले 2 में 0-0 करते नजर आया। उसके बाद बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल की, युजवेंद्र चहल के लास्ट के जो 3 मैचेस थे उसमें 1-2-1 और लास्ट के 2 मैचेस में 0-0 करते नजर आया। उसके बाद एडम जंपा है, एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, काफी अच्छे बॉलर्स है, इनको अगर देखा जाए तो लास्ट के 5 मैचेस में 3-0-2-1-2 करते नजर आया है। कुलदीप सेन है, इनका लास्ट का जो 5 मैच हुआ 2 में 1-1 विकेट करते हैं, बाकी 3 ऐसे ही चला गया। उसके बाद ओ मकोए है, इनका जो लास्ट 5 मैचेस है पिछले वाले में 0-1, 0-2 और 0 करते नजर आया। तो ये दोनों ही टीम की प्रोबेबल 11 है और प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म है। बाकी ये जो स्टेडियम है ना इस पे कुछ ऐसे प्लेयर्स है या फिर हेड टू हेड में कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो अच्छा खासा करते नजर आते हैं, तो हम उनके बारे में भी आपको बताते हैं कि कौन से प्लेयर्स अच्छा खासा फॉर्म कर सकते हैं। 2-3 ऐसे प्लेयर्स की अगर बात कर ली जाए ना, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, संजू सैमसन, जॉस बटलर, ये 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका कि ये जो राजीव गांधी स्टेडियम है इस पर इनका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉलिंग से काफ़ी अच्छा, जैसे वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग से अच्छा ऐसा परफॉर्मेंस करते हैं, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और बाकी जो ये 2 प्लेयर्स हैं ना इनका उन पर काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो ये 5 प्लेयर्स आज के टॉप प्लेयर्स आप बना सकते हैं अपने टीम के। बाकी जो हमारा फाइनल टीम होगा वो हमारे टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको देख करके आप अच्छा खासा टीम बना सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब तक के लिए जय हिंद।